एक और बार फिर से आमिर खान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर आमिर खान को जम के ट्रोल कर रहे हैं। 17 फरवरी आमिर खान की फिल्म दंगल की चाइल्ड एक्ट्रेस सुहानी का निधन हो गया था और देश भर में कई सारे एक्टरों ने इसका मातम भी मनाया था कि मात्र 19 साल की उम्र में सुहानी का निधन हो गया था। ये बात कई लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। सुहानी के निधन पर आमिर खान तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अचानक आमिर खान सुहानी के घर फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने सुहानी के मम्मी पापा से मिले, काफी देर तक उनसे बातें की और उन्हें सांत्वना भी दी। आमिर ने उनके माता पिता के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। बीच में सुहानी की तस्वीर रखी हुई है और दाएं बाएं सभी तरफ उनके फैमिली मेंबर के साथ साथ आमिर खान भी खड़े हैं। और मेन बात यह है कि इस तस्वीर में जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं और मातम के माहौल में इन सभी को इस तरीके से मुस्कुराते हुए देखकर सोशल मीडिया में कई लोगों का मत्था ठनक गया है। किसी ने इस तस्वीर पर रिएक्ट करते हुए कहा कि क्या ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है। किसी ने कहा कि ये कैसा पोस्ट है, शर्म कीजिए। और किसी ने आमिर खान पर कमेंट करते हुए कहा कि इन्होंने तो सभी हदें पार कर दिया है, ऐसे माहौल में कोई ऐसा पोस्ट कैसे दे सकता है। यानी कि लोग पहले से ही खफा थे कि आमिर खान सुहानी के निधन पर उनके मम्मी पापा से मिलने नहीं गए और अचानक आमिर खान ने सुहानी के माता पिता से मिलने का फैसला किया और ऐसी तस्वीर पोस्ट किया जो लोगों की भावनाएं आहत करती। दंगल गर्ल छोटी बबीता फोगाट का रोल किया था सुहानी ने और अपनी एक्टिंग से और अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था और मात्र 19 साल की उम्र में इस मासूम कलाकार का निधन हो गया। और इनके निधन की वजह बताया जाता है कि इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और सुहानी के इलाज के दौरान दी गई दवाइयों के रिएक्शन के चलते मामला क्रिटिकल हो गया और 17 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।